सुनील मनोहर गावस्कर विश्व क्रिकेट का एक ऐसा नाम जो परिचय के मोहताज नहीं है, एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को उस दौर में तेज गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना सिखाया जिसे विश्व क्रिकेट में गेंदबाजों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी महान शख्सियत की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 10 जुलाई साल 1949 महाराष्ट्र के बंबई शहर में पिता मनोहर गावस्कर और मां मीनल गावस्कर के घर उनके इकलौते बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम सुनील गावस्कर रखा गया। सुनील का जन्म बंबई के चौपाटी इलाके के पास स्थित पुरंदेज मैटरनी हॉस्पिटल में रात 8:42 पर हुआ था। उस रात सुनील के एक चाचा नारायण मसूरेकर नए बच्चे को देखने आए और उन्होंने नोटिस किया कि सुनील गावस्कर के बाएं कान में एक छोटा सा छेद है, लेकिन जब वो 2 दिन बाद सुनील गावस्कर को देखने आए तो छेद उन्हें दिखाई नहीं दिया या देखकर उन्होंने नर्स से कहा कि यह मेरा बच्चा नहीं है। उन्होंने नर्स को उस छेद के बारे में बताया, जिसके बाद थोड़ी जांच पड़ताल करने पर एक फिशरमैन की पत्नी के पास सुनील गावस्कर मिल गए जो दरअसल बच्चों को एक साथ नहलाते समय उनके पास चला गया था। सुनील गावस्कर अपने माता पिता की पहली संतान थे जिसके बाद उनके घर 2 बेटियों का जन्म भी हुआ जिनका नाम नूतन और कविता है। कविता का विवाह भारत के महान बल्लेबाज गुडम्पा विश्वनाथ के साथ हुआ था। सुनील गावस्कर को क्रिकेट विरासत में मिली थी। उनके पिता अपने जमाने में क्लब क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, तो वहीं उनके मामा माधो मंत्री 50 के दशक में भारतीय क्रिकेट में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेला करते थे। सुनील गावस्कर का मन भी क्रिकेट के खेल में बहुत लगता था, लेकिन शुरू में इन्हें रेसलिंग और बैडमिंटन जैसे खेल ज्यादा आकर्षित करते थे, मगर धीरे धीरे अपने स्कूली दिनों में जैसे जैसे इनकी ख्याति एक क्रिकेटर के तौर पर बढ़ने लगी, सुनील गावस्कर ने भी अपना पूरा ध्यान क्रिकेट की तरफ मोड़ लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंबई के सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ते हुए सुनील गावस्कर ने 246, 222 और 85 रनों की बेहतरीन पारियां खेली थी, जिसके चलते साल 1966 में इन्हें बेस्ट स्कूल बॉय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के दिनों में सुनील गावस्कर ने अजित वाडेकर के सबसे बड़े स्कोर 234 रनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 235 रनों की पारी खेली थी। यहां से सुनील गावस्कर ने साल 1968 में कर्नाटक के खिलाफ अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था और अपने दूसरे ही मैच में राजस्थान की टीम के खिलाफ शतक लगाकर अपनी काबिलियत को सबके सामने रख दिया। बचपन में एक रेसलर बनने की इच्छा रखने वाले सुनील गावस्कर ने अपने मामा माधो मंत्री की प्रेरणा से क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखा था और अब हर मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद उन्हें यह मौका मिलने वाला था। साल 1971 की भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली ऐतिहासिक सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई बदलाव किए गए थे। भारतीय टीम के सेलेक्टर विजय मर्चेंट इस सीरीज के लिए नए टैलेंट को मौका देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सुनील गावस्कर के प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया। पहले टेस्ट मैच में अपनी चोट के कारण सुनील गावस्कर को खेलने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद सीरीज के दूसरे मैच में 6 मार्च साल 1971 को 21 साल का एक छोटे कद का लड़का अपने मामा का दिया बैट लेकर मैदान पर उतरा और पहले ही मैच में 8 शतकीय पारी खेलकर सबको अपना मुरीद बना लिया। 154 के स्ट्राइक रेट से इस सीरीज में सुनील गावस्कर ने 774 रन बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और उनके इस प्रदर्शन से खुश होकर त्रिनिदाद के क्लिस्पो सिंगर लॉर्ड रिटेलर ने गावस्कर पर आधारित एक गाना भी बनाया जिसके बारे में इन्हें 3 साल बाद इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलते समय पहली बार पता लगा। वेस्टइंडीज को रौंदने के बाद गावस्कर इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ गए, लेकिन यहां उनका प्रदर्शन पहले जैसा देखने को नहीं मिला। कुछ ही दिनों में गावस्कर के प्रदर्शन में भारी गिरावट को देखते हुए कुछ लोग इनकी काबिलियत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगे थे। अगले कुछ समय तक गावस्कर अपनी लय में नजर नहीं आए। 1972-73 में इंग्लैंड की टीम जब भारत आई तो वहां भी गावस्कर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसके बाद साल 1974 में गावस्कर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर अपने पुराने रंग में नजर आए और उन्होंने शतकीय पारी खेलकर सभी के मुंह बंद कर दिए। साल 1976 सुनील गावस्कर के करियर में अहम भूमिका रखता है, जिसमें पहली बार 26 साल का यह नौजवान भारतीय टीम के कप्तान के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओकलैंड के मैदान पर उतरा था और अपनी शतकीय पारी की मदद से टीम को जीत दिलाने में भी सफल रहे थे। यहां से गावस्कर लगातार अपने दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम कड़ी साबित होने लगे और उस दौर की सबसे बड़ी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलने लगा। साल 1976 में वेस्टइंडीज की धरती पर भारतीय टीम ने सुनील गावस्कर की शतकीय पारी की मदद से टेस्ट मैच की आखिरी पारी में रिकॉर्ड 406 रनों का स्कोर चेज कर वेस्टइंडीज टीम के जबड़े से जीत छीनने का काम भी किया। तब तक टेस्ट मैच की आखिरी पारी में 256 से बड़ा स्कोर चेज नहीं कर पाने वाली भारतीय टीम को सुनील गावस्कर ने लगभग 245 मिनट तक बैटिंग कर जीत के करीब धकेला और 13 चौकों की मदद से यादगार 102 रनों की पारी खेली थी। इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए सुनील गावस्कर एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे।
1978-79 में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते समय भी गावस्कर ने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा और इमरान खान जैसे गेंदबाजों के सामने सीरीज में 447 रन बनाए। सुनील गावस्कर को अब दुनिया एक बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज मानने लगी थी लेकिन गावस्कर ने खुद को कभी भी वनडे क्रिकेट के योग्य नहीं माना। वनडे क्रिकेट सुनील गावस्कर के खेल को सूट नहीं करती थी और इसमें वो कभी भी बेहतरीन नहीं कर पाए। साल 1975 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों में सिर्फ 36 रन बनाए थे और पूरे 60 ओवर क्रीज पर खड़े रहे थे। इसके बावजूद भी इनकी इस पारी के कारण भारत यह मैच 200 से ज्यादा रनों के भारी अंतर से हार गई थी। सुनील गावस्कर भले ही एक महान वनडे क्रिकेटर नहीं बन पाए लेकिन उनके अपने मैदान पर यानी टेस्ट क्रिकेट में उनके जैसा कोई नहीं था और ये बात उन्होंने कई बार साबित की थी। मालकम मार्शल, होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट और जोल गार्डनर जैसे खतरनाक गेंदबाजों वाली वेस्ट इंडीज टीम के सामने बिना हेलमेट पहने गावस्कर ने कुल 13 शतक लगाए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। एक कप्तान के तौर पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलते समय सुनील गावस्कर 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। साथ ही 732 रनों की सहायता से भारत को यह सीरीज जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी। 1979 में वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने के बाद अगले साल सुनील गावस्कर अपनी कप्तानी में एक विवाद का हिस्सा भी रहे, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर कंगारुओं की गाली से गुस्साए गावस्कर ने अपने साथी चेतन चौहान के साथ स्टेडियम छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि चेतन चौहान वापस लौट गए थे और भारत यह मैच जीत गई थी, लेकिन आगे कप्तान के तौर पर गावस्कर के आंकड़े बदतर होते चले गए। साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बना, जिसमें गावस्कर ने भी अपना योगदान दिया था। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में जब वेस्टइंडीज की आखिरी विकेट गिरी तो गेंद बल्लेबाज के पैड से टकराकर सुनील गावस्कर के पास चली गई थी और सुनील गावस्कर बताते हैं कि वो गेंद आज भी उनके पास है। सुनील गावस्कर एक शानदार बल्लेबाज होने के साथ साथ एक अच्छे क्षेत्र रक्षक भी थे। स्लिप में खड़े होकर 100 कैच लेने वाले गावस्कर पहले भारतीय खिलाड़ी थे। इसके अलावा 70 और 80 के दशक में जब भारत के पास कपिल देव के रूप में एक ही तेज गेंदबाज था, भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत करने का काम भी किया है। हालांकि इनके टेस्ट करियर में सिर्फ एक ही विकेट दर्ज है, जो इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज जहीर अब्बास को आउट कर प्राप्त किया था। 1983 वर्ल्ड कप की हार से बौखलाई कैरिबियाई टीम अक्टूबर के महीने में भारत से अपनी हार का बदला लेने आई थी। हालांकि वेस्टइंडीज अपना बदला लेने में सफल रही लेकिन गावस्कर नाम के तूफान को रोक नहीं पाई। इस सीरीज में गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर का 29वां शतक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर लगाया और डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके बाद सुनील गावस्कर ने इस सीरीज के छठे मैच में 236 रनों की अभूतपूर्व पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। साथ ही सीरीज के दौरान गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में भी पहला स्थान हासिल कर लिया था। सीरीज में 505 रनों का बड़ा योगदान देने के बाद भी भारत यह सीरीज जीत नहीं पाई, जिसके चलते टीम को दर्शकों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा और लगातार 29 टेस्ट हारने के बाद कपिल देव के हाथों से कप्तानी की बागडोर भी छीन ली गई थी और एक बार फिर गावस्कर भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए गावस्कर ने भारत को 32 टेस्ट मैचों के बाद पहली जीत दर्ज कराने में मदद की, जिसके बाद सीरीज के तीसरे मैच में कोलकाता के दर्शकों का अपनी टीम को लेकर गलत व्यवहार देखते हुए गावस्कर ने उस मैदान पर कभी भी नहीं खेलने का फैसला कर लिया था। 1987 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद गावस्कर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इस टूर्नामेंट में गावस्कर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज करवाने के साथ 300 रन बनाए थे। गावस्कर ने अपने करियर में कुल 125 टेस्ट मैच, 108 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा क्रमशः 10,122 और 3,092 है। बात करें इनके द्वारा बनाए गए कुछ रिकॉर्ड्स की तो सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। साथ ही उनके 34 शतकों का रिकॉर्ड साल 2005 में सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा था। इसके अलावा सुनील गावस्कर लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद गावस्कर एक कमेंटेटर के तौर पर क्रिकेट से जुड़े रहे। साथ ही इन्होंने सिनेमा जगत में भी अपनी मौजूदगी समय समय पर दर्ज करवाई है। मराठी फिल्म साबेली प्रेमाची में नजर आने के अलावा गावस्कर ने हिंदी फिल्म मालामाल में नसीरुद्दीन शाह के साथ काम भी किया था। सुनील गावस्कर के पुराने मित्र मिलिंद ने एक बार एक किस्सा साझा करते हुए बताया था कि देवानंद के कहने पर सुनील गावस्कर उनकी फिल्म के यादगार गीत दम मारो दम में भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हो गए थे और गानों में एक जगह गावस्कर नजर भी आते हैं। 1980 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले गावस्कर के नाम पर साल 1996 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी शुरू की गई थी। सुनील गावस्कर ने मार्शल गावस्कर से साल 1974 में विवाह किया था। इनकी पत्नी गावस्कर के खेल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और एक मैच के दौरान इनसे ऑटोग्राफ लेने आई थी। वहाँ से इनमें प्यार शुरू हुआ और अगले साल दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी से गावस्कर को एक बेटा हुआ जिनका नाम रोहन है, जिसका नाम रोहन इन्होंने अपने सबसे पसंदीदा क्रिकेटर रोहन कन्हाई के नाम पर रखा था। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।